वी वर टॉकिंग अबाउट गांधी जी गोइंग अहेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सत्याग्रह ऑन अ नेशनल लेवल। ओके, अब देखो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, इस वर्ल्ड वॉर में ऑन वन साइड वॉज इंग्लैंड, फ्रांस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे साइड में वॉज जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। टर्की जो था, टर्की वॉज ए मुस्लिम कंट्री, और टर्की का जो एम्परर थे उनको कहा जाता था, ही वॉज नेम्ड द खलीफा, उनका टाइटल था खलीफा, नाम नहीं। टर्की का जो भी एम्परर होता था, जैसे इजिप्ट के, एंशियंट इजिप्ट के रूलर्स को जैसे फराओ कहा जाता था, उसी तरह से टर्की के जो एम्परर्स थे उनका टाइटल था खलीफा। और उस वक्त, उस जमाने में टर्की में ऑटोमन डायनेस्टी चल रहा था, द ऑटोमन डायनेस्टी वॉज इन पावर इन टर्की। तो ऑटोमन टर्की जो है, दे साइडेड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये खलीफा जो थे, टर्की के जो खलीफा थे, ही हैड अ यूनिक पोजीशन बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड बाई द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो, जब ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की लड़ाई हार गया, एज यू आई थिंक यू मस्ट हैव रेड इन द अर्लियर क्लासेस, कि जो पीस अंडरस्टैंडिंग हुआ, जो पीस एग्रीमेंट हुआ, जैसे जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसके तहत जर्मनी के ऊपर बहुत ज्यादा कठोर शर्तों को लागू किया गया जर्मनी के ऊपर, उसी तरह से टर्की के जो खलीफा थे उनके ऊपर भी द अंग्रेज, द ब्रिटिश, बहुत ज्यादा कठोर शर्त आरोप किया, विच द मुस्लिम्स बिलीव्ड हार्म्ड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द खलीफा। ठीक है, जैसे उसकी यूरोप के ऊपर टर्की का एम्पायर का जितना हिस्सा था वो उनसे छीन लिया गया, वगैरह वगैरह। तो द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया नाउ डिसाइडेड टू डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश दैट द खलीफा शुड बी ट्रीटेड विथ मोर रेस्पेक्ट, एंड व्हेन द खलीफा वॉज नॉट ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट बाय द ब्रिटिश, दे डिसाइडेड टू कंडक्ट अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खलीफा, एंड इन दैट रेस्पेक्ट, इस दिशा में दे सेट अप द खिलाफत कमिटी इन बॉम्बे इन मार्च 1919। नाउ द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग द लीडर्स ऑफ द खिलाफत कमिटी वेर द आली ब्रदर्स, मोहम्मद आली एंड शौकत आली, हु स्टार्टेड डिस्कशंस विद गांधी जी अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश। इनफैक्ट गांधी जी वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द खिलाफत कमिटी। अब देखो, ये जो एक सिचुएशन या सर्कमस्टांस पैदा हुआ, गांधी जी कंसिडर्ड दिस टू बी अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स अंडर वन अम्ब्रेला। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता का जो सेशन हुआ, उस सेशन में उन्होंने कांग्रेस को प्रपोज किया दैट द कांग्रेस शुड लॉन्च अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज टू डिमांड स्वराज। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट स्वराज, ऑल्दो स्वराज मींस, व्हेन वी टॉक अबाउट स्वराज इन कॉमन लैंग्वेज इट मींस अपना राज, दैट इज इंडिपेंडेंस, बट इन 1920 स्वराज मेंट डोमिनियन स्टेटस, दैट इज इंडियंस वेर नॉट डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिया पूरा आजादी डिमांड नहीं कर रहा था, इंडियंस का डिमांड था दैट वी शैल रिमेन अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बट मे बी वन और टू वाइटल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी एटसेट्रा विल स्टे इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, बट वी शैल हैव अ पार्लियामेंट ऑफ आवर ओन जस्ट लाइक इंग्लैंड हैज इट्स पार्लियामेंट, एंड मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस, और इंडिया का जो कंट्रोल है वो इंडियंस के हाथों में ही रहेगा। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एट दैट टाइम। सो महात्मा गांधी ट्राइड टू कन्विंस द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस इन द कलकत्ता सेशन ऑफ 1920 टू स्टार्ट अ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर स्वराज। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने कहा था उस वक्त
that such a situation, such a opportunity to unite the Hindus and Muslims of India will not come again in another 100 years. Now see, why non-cooperation? Why asahyog? Why should we not cooperate? Why did Gandhiji, just 1 second, 1 minute, give me a minute's time. तो देखो अब देखो, गांधी जी, उनके लिखा गया हिंद स्वराज नाम की एक किताब में गांधी जी ने कहा था दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस. क्योंकि सोच के देखो, जो ब्रिटिश आर्मी था, ब्रिटिश इंडिया आर्मी था, उसमें 70% ऑफ द सोल्जर्स वर इंडियंस. जो इंडिया का सिविल सर्विस था, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स वर इंडियंस. इंडिया में जो पुलिस फोर्स था, उसमें मेजॉरिटी वर इंडियंस. मेजॉरिटी ऑफ द जजेस वर इंडियंस. मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स वर इंडियंस. सो इंडिया में ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, दैट वॉज बींग रन विथ कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस. तो गांधी जी का आर्गुमेंट ये था कि अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, इफ द इंडियंस स्टॉप कॉपरेटिंग विद द ब्रिटिश इन एवरी स्फियर ऑफ लाइफ, तो एक साल से ज्यादा ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं टिकेगा. तो गांधी जी का प्रस्ताव था कि आंदोलन का पहला स्टेज में, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट, हम क्या करेंगे, जितने सारे टाइटल्स, देखो उन दिनों अंग्रेज क्या करते थे, बहादुर, राय बहादुर, राजा, महाराजा, इस तरह की बहुत सारे टाइटल्स अंग्रेज देते थे. तो गांधी जी का प्रस्ताव था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सरेंडर द टाइटल्स दैट हैव बीन गिवन टू अस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उसके बाद देखो, जो सिविल सर्विस है, जिसको कहा जाता था द बैकबोन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो गांधी जी का प्रस्ताव था कि जितने इंडियन सिविल सर्वेंट्स है, दे विल बॉयकॉट द सिविल सर्विसेज. आर्मी में जो इंडियंस है या पुलिस में जो इंडियंस है, दे विल लीव द ब्रिटिश आर्मी एंड द ब्रिटिश पुलिस फोर्स. अदालत से जजेस एंड लॉयर्स विल वॉक आउट ऑफ द कोर्ट्स. जितने सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, लॉ मेकिंग बॉडीज है, उन सब से इंडियन मेंबर्स बाहर निकल आएंगे एंड वी विल बॉयकॉट दोस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. स्कूल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, दे विल ऑल लीव द ब्रिटिश, द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ऑल्सो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस. इन एडिशन टू दैट, वी शैल रिफ्यूज टू यूज फॉरेन गुड्स. इन केस इसके बाद सरकार हमें मजबूर करने के लिए अत्याचार करे, then what we will do, we will launch a full scale civil disobedience. Civil disobedience means we shall not follow British laws. देखो, महात्मा गांधी एंड शौकत अली इस आंदोलन की समर्थन में पब्लिक ओपिनियन बढ़ाने के लिए, गैदर करने के लिए 1920 में दे एक्सटेंसिवली टूर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. हालांकि कांग्रेस के अंदर मेनी पीपल वेर डाउटफुल कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, देखो 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले थे, 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था उसके तहत 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस
both to the provincial legislatures and the central legislatures, legislative councils ke elections hone wale the. To Gandhi ji ne propose kiya ki Congress should boycott the elections. Lekin Congress ke andar there were many people who were doubtful whether that will be the right decision to take. So there was a long discussion on this matter. Both people who were for the election and who were against the election, जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो लोग नहीं करना चाहते थे, दे पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन. और फाइनली 1920 का दिसंबर में कांग्रेस का नागपुर सेशन में एक कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट हुआ एंड द कांग्रेस अल्टीमेटली डिसाइडेड दैट दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोविंशियल इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस एंड दे वुड गो अहेड विद द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो इस तरह से 1921 का जनवरी में नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में फाइनली शुरू हुआ. नाउ सी एट दिस जंक्चर इट विल बी इम्पर्टिनेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर या टू नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि देखो इंडिया का जो सोसाइटी था इट कंप्राइज्ड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल. People belonging to different religions, people belonging to different social classes, people belonging to different economic classes. So non-violent violent movement, non-cooperation movement, इससे हमें पाना क्या है जो भारत की समाज की अलग अलग हिस्सा था, जो अलग अलग segments of the Indian society था, जो लोग पहली बार इकट्ठा आकर एक आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, देयर आइडिया अबाउट फ्रीडम, देयर आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज नॉट द सेम. सो लेट अस डिस्कस नाउ व्हाट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थॉट अबाउट द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हाउ इट अफेक्टेड देम. Firstly, we come to the non-violent, non-cooperation movement in the towns and cities. देखो शहरों में जो January 1921 में शहरों में जो non-cooperation movement शुरू हुआ, उसमें middle class, as far as the cities and towns were concerned, the middle educated middle class that comprised students and professionals like lawyers, doctors, teachers, etc. They played the most important role in organizing the non-violent, non-cooperation movement in the cities. This was the educated section of the society jo is movement mein hissa liya. To hazar hazar student all over India, students and teachers, wo sarkari school aur government aided schools, un log chhod kar nikal aaye. Jo 1920 mein प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस हुआ, दोज इलेक्शंस वेर बॉयकॉटेड बाय ऑल द पार्टीज. बट यू मस्ट रिमेंबर कि एक्सेप्ट इन मद्रास द जस्टिस पार्टी, देखो ये जस्टिस पार्टी जो था इट वॉज ए पार्टी ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल. उन दिनों तुम जानते हो कि भारत में जात पात की प्रथा बहुत ज्यादा कठिन कठोर था. तो नॉर्मली प्रोविंशियल इलेक्शन में या इलेक्टोरल लाइफ में पॉलिटिकल लाइफ का लीडरशिप की जगह पर ओनली द अपर कास्ट पीपल यूज्ड टू प्ले अ लीडिंग रोल. सो लोअर का ये जो जस्टिस पार्टी था, इन्होंने सोचा कि देखो अंडर नॉर्मल कंडीशंस इट इज ओनली द ब्राह्मिन्स एंड द अदर अपर कास्ट्स जो इलेक्टेड होकर प्रोविंशियल असेंबलीज में या इंपीरियल लेजिस्लेचर में जिनको जाने का मौका मिलता है. बट नाउ दैट दे हैव बॉयकॉटेड द इलेक्शंस, क्यों ना हम उस मौका का फायदा उठा के, वी द सो कॉल्ड लोअर क्लास पीपल, व्हाई नॉट लोअर कास्ट पीपल, जिनको भारत की समाज नीची नजरों से देखता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है आगे बढ़ने का, व्हाई डोंट वी यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ये सोचकर जस्टिस पार्टी मद्रास प्रोविंस का दे एंटर्ड द इलेक्शंस एंड इन लार्ज नंबर्स they got elected to the Madras Legislative Assembly and also the Imperial Legislative Assembly seats from Madras. Acha, ab dekho foreign goods jo tha, Indians began to boycott foreign goods. Matlab they stopped buying foreign goods.
लिकर का, फॉरेन लिकर का जो दुकान थे, फॉरेन लिकर के जो शॉप्स थे, उस शॉप्स के बाहर पिकेटिंग हुआ। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पिकेटिंग? पिकेटिंग मींस शॉप्स के बाहर लोग बैठ गए और लोगों को दुकान के अंदर घुसने से रोक दिया गया। कई जगहों पर पीपल अपने जो विदेशी कपड़े हैं उन कपड़ों को सड़क में लाकर आग लगा के उन कपड़ों को जला दिया। नाउ व्हेन द पीपल स्टॉप्ड यूजिंग फॉरेन गुड्स एस्पेशली फॉरेन क्लोथ्स, सो नेचुरली क्या हुआ, इंडिया का जो टेक्सटाइल मिल्स है उनमें बने जो कपड़े हैं, जो हैंडलूम और खादी के कपड़े हैं, इनका बिक्री, इनका सेल बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड ए नंबर ऑफ न्यू कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वेयर सेट अप इन इंडिया। लेकिन ये जो शुरुआती जोश था, ये जोश 7-8 महीने के बाद धीरे धीरे फीका होने लगा, और फीका होने के पीछे देर वेर मेनी मेनी कॉजेस और मेनी मेनी रीजंस। नंबर वन रीजन वॉज दैट, देखो ये खादी के कपड़े या जो इंडिया के हैंडलूम वाले कपड़े थे वो फॉरेन का मशीन मेड कपड़ों से काफी ज्यादा कीमती थे। सो नेचुरली भारत के गरीब लोगों के लिए ये ज्यादा कॉस्टली खादी या हैंडलूम के कपड़े ज्यादा दिन तक अफोर्ड करना ये इम्पॉसिबल साबित हुआ। इसके अलावा दूसरे भी काफी फॉरेन गुड्स जो हमने बॉयकॉट किया था, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू कंटिन्यू विदाउट यूजिंग दोज गुड्स, क्योंकि उनके सुटेबल रिप्लेसमेंट का इंडियन गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं था, और अगर अवेलेबल था भी उनका प्राइस ज्यादा था और क्वालिटी भी फॉरेन गुड्स जैसा अच्छा नहीं था। सो द कॉमन पीपल ग्रेजुअली बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड द कॉस्टलियर इंडियन गुड्स दे बिगैन टू बाई द ब्रिटिश गुड्स वंस अगेन। इसके साथ साथ देखो क्या हुआ, जो हमारे स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज बॉयकॉट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बॉयकॉट किया, तो क्या होना चाहिए था कि इसके बदले में सफिशियंट इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैड टू बी सेट अप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो नेचुरली द स्टूडेंट्स फेल्ट दैट देयर कैरियर वॉज गेटिंग हैम्पर्ड, और उनको वो धीरे धीरे स्कूल कॉलेज वापस जाने लगे। द लॉयर्स, द गवर्नमेंट, यू नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो अपने ऑफिसेज बॉयकॉट किए थे, कोर्ट्स बॉयकॉट किए थे, 2-4 महीना बाद when they realized that they needed to earn money and there was no alternative employment, naturally they also gradually started returning to the British institutions. To is tarah se dekho, students, teachers, lawyers, government employees, they started going back to their places of work, aur shuruati jo ek josh tha is andolan ki shehar mein wo dheere dheere fika padne laga. To let this part of the video, part of the chapter be till this much. I will continue in the next videos. Okay, thank you so much.